करो सीताराम। नारद जी बोले भैया वहां पर भी जब गृहस्थियों के पास सत्संग नहीं मिला तो नारद जी बोले हमने सोचा श्रीधाम वृंदावन जावे, पर वृंदावन गए सोई एक उपद्रव देखा। क्या वृंदावन में हम गए तो थे सत्संग करने, पर एक आश्चर्य देखा। तत्ताश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम एकादु तरुणी तत्र निसन। औरत स्त्री वृंदावन में बैठी है एक पेड़ के नीचे रो रही। बहुत सी स्त्रियां कोई पंखा झला रही, कोई पानी मिला रही, कोई आंसू पहुंच रही, सब स्त्रियां कोई सिर पर हाथ फेर रही, लेकिन वो रोए ही जा रही है। लेकिन एक आश्चर्य और, क्या उसकी दोनों जांघों के ऊपर दो बूढ़े वृद्ध लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। नारद जी बोले हमने सोचा देखा जाए क्या गड़बड़ है, कौन है, क्यों रो रही है। नारद जी बोले देखो संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, एकदम नरम होता है। नारद जी ने सोचा जाए जरा पूछे। नारद जी बोले भैया हम थोड़ी दूर तक गए पर मन में सोचा कहीं ऐसा ना हो यहाँ स्त्रियां ही स्त्रियां बैठी हैं और हमसे कहने लगे ये बाबा जी तुम्हें क्या लेना देना, चलो हटो यहाँ से, सोई बेइज्जती हो जाएगी। नारद जी बोले भैया सोई हम आधे रास्ते से वापस आने लगे और जैसे ही वापस आने लगे सोई वो स्त्री चिल्लाई भो भो साधु दर्शनम तौ लोकस्य। अरे महात्मा रुकिए रुकिए रुकिए, हे महाराज रुको रुको रुको, अरे महाराज रुकिए, संतों के तो दर्शन मात्र से ही दुख भाग जाते हैं। नारद जी बोले हमें बड़ा अच्छा लगा। नारद जी बोले भैया हम वापस आए, हमने पूछा कौन हो देवी जी तुम, क्वा तुम कौन हो और रो क्यों रही हो, और ये जो दो वृद्ध तुम्हारी जांघों के ऊपर लेटे हैं ये कौन है और ये सब स्त्रियां कौन है। बददेवी साविस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी आप अपने दुख का कारण बतलाइए। महाराज उसने क्या परिचय दिया जरा ध्यान देना। अहम भक्ति ऋतौ ख्याता यमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानम काल योगेन जर्जरौ काल योगेन। उस स्त्री ने परिचय दिया, महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी, ये जो दो वृद्ध लेटे हैं मैं हूं माँ, ये दोनों हमारे बेटे हैं। नारद जी का दिमाग खराब हो गया कि माँ जवान बेटा बूढ़े हो गए, जय जिया राम। देवी तुम जवान हो तुम्हारे बेटा बूढ़े हो गए, ये क्या कारण है। महाराज ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का प्रभाव? हाँ महाराज। महाराज अगर हमारे दोनों बेटे जवान नहीं भय, इनकी मूर्छा नहीं खुली तो सुन लो, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को त्याग कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी बोले ना 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 भक्ति महारानी, अगर आप ही वृंदावन छोड़कर चली जाओगी तो भारत में भक्ति कहाँ रहेगी, आप चिंता मत करो हम कोई उपाय करते हैं। सुनो देवी, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौके सौकीर्तना। सुनो देवी, जो फल यज्ञ से नहीं मिलता, हवन से नहीं मिलता, तप से नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल गोविंद का कीर्तन मात्र करने से फल प्राप्त हो जाता है। और वैष्णव का धन तो एक ही है, हम लोग हैं वैष्णव, कौन है हम लोग, कौन है हम लोगों का धन एक ही है क्या। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा राधा परसाने वाली राधा 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 राधा। अच्छा भगवान के नाम को कौन अपनी संपत्ति मानता है, जरा हाथ उठाओ जबलपुर वाले सब उठाओ हाथ, ताली कौन बजाए। राधा 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 राधा
वाली राधा 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 फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो मिस ना हो और सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो।